नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप सरकार और आज हम दिखाएंगे आप सबके लिए ऑक्टोपैड में रोलिंग विथ रिदिम एक साथ कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। मतलब हम बहुत सारे ऐसे लेसन दिए कि रोलिंग कैसे प्रैक्टिस करोगे, ऐसे भी बहुत लेसन है कि रिदिम कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग विथ रिदिम, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब प्रैक्टिस कैसे करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कि कोई गाना उठाता है, गाना उठाता है उसका पैटर्न, गाना का रोलिंग, लेकिन हाथ में आता नहीं सही तरह से। ठीक है, रोलिंग अगर थोड़ा टाफ हो जाए तो हाथ में आता नहीं है। और जो लोग अभी सीख रहे हो कोई रिदिम के साथ अगर रोलिंग एक साथ डेवलप करोगे तो मतलब बाद में जाके जब आप शो करोगे या कोई गाना उठाओगे कुछ भी रोलिंग आपको हाथ में सिंपल बहुत इजी में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये लेसन मैं DTX में दिखा रहा हूँ। ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ ये प्रैक्टिस DTX में ही करोगे, ऐसे कोई बात नहीं है। आपका पास जो भी ऑक्टोपैड है, स्प्रिट 20 हो, 30 हो, कुछ भी जो भी है, आप उसी हिसाब से एक ड्राम्स का पैच करके ये प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर आपका पास ऑक्टोपैड नहीं है तो डोंट वरी, आप रबर पैड या प्रैक्टिस पैड में ये प्रैक्टिस करो। सेम बात है, ऑक्टोपैड है या नहीं है ये बात नहीं है, आप सिर्फ रबर पैड में ये रोलिंग और रिदिम जो एक साथ हम आप दिखाएंगे वो आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग ड्राम्स और ऑक्टोपैड सीखना चाहते हो विथ स्टाफ नोटेशन में, ओके, विथ स्टाफ नोटेशन में अगर ड्राम्स और ऑक्टोपैड आप सीखना चाहते हो, आप कहाँ से भी हो, कोई से मैंने वो कोई बात नहीं है, डिस्टेंस डजंट मैटर, क्योंकि आप घर में बैठ के ये कोर्स कर सकते हो विथ स्टाफ नोटेशन। स्टाफ नोटेशन मतलब जैसे पूरा इंटरनेशनली जो म्यूजिक का लैंग्वेज है, जो नोटेशन है, उसी हिसाब से ये कोर्स दिया हुआ है। इसका ऊपर ड्राम्स का ऊपर भी है और ऑक्टोपैड का ऊपर भी है। शुरू से मतलब आज से अगर ऑक्टोपैड सीखना चाहते हो या ड्राम सीखना चाहते हो, जैसे स्टार्ट होना चाहिए उसी हिसाब से ये स्टाफ नोटेशन का बुक है। और इसके साथ साथ हर एक पेज का साथ साथ एक एक वीडियो क्लास रहेगा। ओके, पेज नंबर 1, वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो हम दिखा रहे, एक मिनट मैं बुक भी दिखा रहा हूँ आपको। ये ड्राम्स और ऑक्टोपैड का एक बुक है जो इसमें पूरा स्टाफ नोटेशन में पूरा सब कुछ दिया हुआ है, हैंड प्रैक्टिस, स्पीड, और शुरू से मतलब स्टिक कैसे से, ये नोटेशन है क्या, इसका टाइमिंग क्या, इसका नाम क्या, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, सब कुछ इस बुक में दिया है। ये बुक हम बाय पोस्ट आपको भेज देंगे। उसके साथ साथ हर एक पेज के साथ एक एक वीडियो क्लास रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 1, वीडियो नंबर 1 आप देखो और घर में बैठ के आप प्रैक्टिस करो। हैंड स्पीड सब कुछ है, फुट प्रैक्टिस सब कुछ। ऑक्टोपैड का भी इंडिविजुअल है और ड्राम्स का भी इंडिविजुअल है। ओके, तो ये कोर्स भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6,200 रुपया। 6,200 रुपया में पूरा साल भर का क्लास दिया हुआ है इसमें विद वीडियो क्लास, तो आप घर में बैठ के सीख सकते हो। ठीक है, अगर ये कोर्स आपको करना है तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो। और आपका पास आप ड्राम सीखना चाहते हो या ऑक्टोपैड सीखना चाहते हो मेंशन कर दो, दोनों का कोर्स भी सेम है 6,200 रुपया। ऑक्टोपैड अगर सीखना चाहते हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सब कुछ दिया हुआ है विद प्रैक्टिस, और ड्राम्स का तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे सेट करोगे, कैसे ट्यून करोगे, इसे शुरू करके पूरा सोलो ड्राम सोलो आप लोग कैसे प्ले करोगे, पूरा डिटेलिंग इस कोर्स में है विद वीडियो क्लास। ठीक है, तो अगर ये कोर्स आपको करना है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं कि ऑक्टोपैड में रिदिम प्लस रोलिंग हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक बात, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कैसे लगा। ओके, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। फास्ट क्या करेंगे, एक बेसिक ग्रूव को हम पकड़ के रखेंगे, उसके बाद हम लोग रोलिंग प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक ग्रूव क्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सबसे इजीएस्ट ग्रूव। इसके बाद हम रोलिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक बार या चार पांच बार रिदिम, दो बार या पांच बार रिदिम बजाओ, उसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रोलिंग को डेवलप करेंगे। वो कैसे,